हेलो एवरीवन मोहित आपका जैसा कि यूपी कांस्टेबल का स्पीड टेस्ट चल रहा है और उसका डिस्कशन हम आपके साथ लेकर आए हैं जरूर से जरूर ये डिस्कशन देखें आपकी परीक्षा में बहुत ही सहायता करेगा करेगा बहुत ही आपकी मदद करेगा। जो भी प्रश्न आए हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं जिन क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं उन सब के बारे में आपको बताएंगे कैसे उन प्रश्नों को सही समय पे और सही तरीके से सॉल्व करें तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को ठीक है ये आपका पहला प्रश्न आता है ये कहता है आपको दिया गया है द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अल्फाबेट सीरीज यहां पे निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित है प्रश्न क्या प्रश्न कहता है इसमें कहता है बाएं से दसवें अक्षर देखिए यहां पे बाएं दसवा अक्षर दिया है और दाएं से पांचवें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है ठीक है तो देखिए यहाँ पे सीरीज इसमें आपको क्या है कि काउंट भी करना पड़ेगा रीजन दैट है कि ए बी सी डी नहीं दिया हुआ है तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ये आपके सामने बाए दस वक्षर ठीक है उसके बाद आपका दाहिने से अक्षर एक दो तीन चार पांच यहां तक आपके हो चुके हैं क्लियर है दो, दो चार दो छे दो आठ दो दस अब इनके बीच में पूछा गया है कौन सा अक्षर होगा देखिए ध्यान से आप यहां पर आपके सामने जो दिया गया है ठीक तो दो दो चार इधर दो दो चार और एक पांच एक ही पांच तो देखिए दो तरफ से आप देखेंगे तो बीच में क्या आएगा टी वाला लेटर इनके बीच में आ जाएगा है ना दोनों के बीच में पहले हमने बाएं से यहां पे दस ले लिया और दाएं से पांच ले लिया फिर यहां पर देखा तो इधर बराबर बराबर कर दिया इधर पांच इधर पांच तो बीच में आपका बसता है सॉरी बीच में आपका टी बसता है और टी का मतलब है डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था इसमें सिर्फ आपको काउंट करना था हाँ लेटर पे होता तो कुछ हम आपको तरीका ही बताते बट यहाँ पे अल्फाबेट्स नहीं दिए हुए थे ए से लेके जेड तक ठीक तो यहाँ पे काफी लेटर चेंज कर रखा तो काउंट ही करना पड़ेगा आपको गिनना ही पड़ेगा दूसरा कोई रास्ता नहीं है अगला क्वेश्चन चूज द क्यूब दैट विल बी फॉर्म बाई फोल्डिंग द सीट ऑफ पेपर सोन इन द प्रॉब्लम फिगर वह घन चुने जो समस्या चित्र में दिखाए गए कागज की सीट को मोड़ने पर बनेगा आइए देखिए यहां पे तरीका क्या होता बच्चों हमें अल्टरनेट मतलब एक छोड़ करके एक की बात अगर करें तो वो आपस में होते हैं विपरीत या होते हैं अपोजिट तो अपोजिट सरफेस एक साथ हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए अब यहां आप देख पा रहे हो ये इसका अपोजिट हो जाएगा ऐसे यहां इसका अपोजिट ये हो जाएगा दो अपोजिट निकल गए फिर जो एक बचता है ये आपस में हो जाएगा सॉरी ये परसेंटेज इसका हो जाएगा अपोजिट अब हमें क्या देखना है कि जो अपोजिट चीजें हैं वो एक साथ नहीं दिखनी चाहिए अगर एक साथ दिख रही है तो इसका मतलब वो नहीं बन पाएगा ये है हमारा कॉन्सेप्ट है ना तो जैसे हम पहला विकल्प देख रहे हैं तो पहला में ग्रेटर के साथ अपोजिट परसेंटेज नहीं दिया हुआ है या डॉलर के साथ अपोजिट आई नहीं दिया हुआ है स्टार के साथ स्टार के साथ है से स्टार के साथ यहाँ पे हैश भी नहीं दिया गया है ठीक तो स्टार के साथ हैश भी नहीं दिया है दिखाए गए कागज को सीट के मोड़ने से बनेगा ना? तो डॉलर का यहां पे वन भी नहीं दिया गया है अब सी वाले विकल्प में दिया है सी आपने कैंसिल कर दिया डी वाले विकल्प में आप देखिए तो ग्रेटर के साथ परसेंटेज दिया डी भी आपने कैंसिल कर दिया यहां पे स्टार और हैश दिया हुआ है स्टार और हैज भी आपने कैंसिल कर दिया तो बचेगा क्या ए वाला विकल्प बच के पहले भी वही बन रहा था लेकिन हमने आपको चेक करके दिखा दिया कि बाकी में अपोजिट चीजें एक साथ दिखाई पड़ रही तो जब अपोजिट चीजें एक साथ दिखाई पड़ेंगी तो वो हमारा विकल्प नहीं बन पाएगा क्लियर है चलिए विच एंसर फिगर कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क प्रश्न के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी क्या है यहां पे सही जवाब आप देखिए ध्यान से ये हमारे साथ जो है दो ट्रेंगल एक स्क्वायर और प्लस बना हुआ है उसके बाद क्या हो रहा है यहां पे एक आपके सामने चार आकृति आ गई है बीच में सर्कल आ चुका है ठीक है फिर आप इसमें इसको देख सकते हैं यहां पे दोनों ट्रेंगल और प्लस आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं मतलब एक छोड़कर तीसरे में जा रहे हैं ट्रेंगल प्लस इंटरचेंज और बीच में हो रहा है ऐसे यहां पर भी आप देखेंगे इसमें, इसमें इसमें भी यही हो रहा है इसमें क्या हो रहा है इसमें आपस में इनको इंटरचेंज करा दिया इधर से ये इंटरचेंज हो रहा है और यहाँ पे क्या था ये इंटरचेंज हो रहा है क्लियर है अच्छा तो एक तीन और अब इसकी बारी होगी ठीक है अब आपके सामने इसकी बारी होगी तो जब इसकी बारी होगी तो आपके सामने फिर इंटरचेंज होगा तो इंटरचेंज होने के बाद ये प्लस नीचे आएगा ट्रेंगल ऊपर चला जाएगा और ये प्लस नीचे आएगा ट्रेंगल जाएगा दोनों प्लस नीचे होंगे तो यहां पे वन वन वाले जो फिगर है आपको वो सही दिखाई पड़ेगा वन वाला जो आंसर फिगर है वो आंसर हमारा क्वेश्चन फिगर में वो आना चाहिए तो सही हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा ए वाला विकल्प ए वाला जो विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा ठीक है चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विच एंसर फिगर विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क प्रश्न के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी तो चलिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन इसको भी दिखाते हैं आपको कैसे करना होगा ठीक यहां पे ये एरो बना हुआ ऐसे नीचे की ओर अब ये देखिए आपका जो एरो है ये यहाँ से पलट कर ऐसे चला गया आपस में हो गया फिर ये एरो आपका घूम के ऐसे आ गया पहले हम इसे ये कह सकते हैं कि वन एटी डिग्री मिला और फिर ये यहां से ऐसे घूमा और यहां से नब्बे डिग्री घूमा ठीक यहां से क्या घूमा है नब्बे डिग्री घूमा है फिर हो गया अपोजिट तो इसका मतलब इसको फिर आपको 90 डिग्री ही घुमाना चाहिए ठीक है <coughs> 90 डिग्री आपका घूमना चाहिए यहां पे सही आंसर आपका जो बनेगा वो आपका पहले अपोजिट जस्ट मारा है फिर घुमा दिया फिर अपोजिट इसका मतलब अब घूमना चाहिए इसको और घूमना चाहिए तो आंसर आपका बनेगा तीन वाला सी वाला विकल्प आपका यहां पर एट हो जाएगा ठीक है सी वाला विकल्प आपका यहां पर एट हो जाएगा चलो वाट कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क प्रश्न के स्थान पे क्या आएगा ये आपको सीरीज दी गई देखिए यहां पे क्या चल रहा है सीरीज बत्तीस सैतीस बत्तीस में पांच ऐड कर दें क्या हो जाएगा सैंतीस सैतीस में पांच जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा बयालीस बयालीस में पांच जोड़ दीजिए सैतालीस सैतालीस में पांच जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा बावन तो इसका मतलब जो मिसिंग था वो हमारा ये वाला था सैतीस पांच बयालीस पांच पांच की सीरीज चल रही थी पांच नंबर हमारा मिसिंग था तो वहां पे आएगा बयालीस डी वाला विकल्प आपका हो जाएगा राइट डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर द वर्ड नर्सिंग विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज दे द अल्फाबेट नर्सिंग शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच वर्णमाला में होते हैं आइए देखते हैं बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और परीक्षा में जरूर पूछा जाता है ये नर्सिंग आपको दिया गया अब देखिए इसमें क्या करना पड़ता है जैसे ए से लेके बी तक जेड तक जितने भी लेटर हैं, तो इनको अल्फाबेटिकल हम पढ़ते हैं जितना गैप यहाँ पे दिया होता है उतना गैप यहाँ भी होता है <coughs> देखिए अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो मुझे जो दिख रहा है वो आपको दिख रहा है एस पी क्यू आर एस टी यू एस के बाद टी और यू देखो एक गैप बन रहा है मतलब एक पेयर बन रहा है एस से यू तक जाने में एक गैप होता है इसके बाद टी टी के बाद यू आता है लेकिन यहाँ पे वही गैप दिया हुआ तो एक ये आपका बन रहा है है ना एक ये भी आपका बन रहा है जी एच आई जी से आई तक जाएंगे आप तो जी एच आई इसका मतलब एक एन लिखा हुआ तो एक गैप यहाँ बन रहा है मेरे जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे इससे ज्यादा मुझे और कोई दिखने भी नहीं है भी नहीं एन ओ पी क्यू आर करेंगे नहीं होगा जे के में नहीं होगा दो ही है ही है तो दो हैं अच्छा वन थ्री फाइव सिक्स इसका मतलब ज्यादा है हम्म इसका मतलब ज्यादा है मैंने देखा नहीं थ्री ऑप्शन में दिया तो अभी देखते और भी कुछ होता है ओके जी एच आई हो चुका है अच्छा आर एस टी यू जी के बाद आई जे के एल एम नहीं हो पाएगा ठीक है अच्छा आर के बाद एस टी यू तो हो चुका है एन के बाद एम ओ पी क्यू आर। ये भी नहीं हो सकता आपका नहीं हो पाएगा अच्छा तो क्या बनेगा यहां पर और तो कोई दिख नहीं रहा मुझे तो ओके ओके आर एस यार एक तो यही है आर के बाद एस आता है यही नहीं दिख रहा था पी क्यू आर एस आर के बाद ऐसा आता है तो उसमें भी वही चीज दिया हुआ तो यहाँ पे तीन आंसर हो जाएगा बी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा हाँ आर के बाद ऐसा आता है यही नहीं दिखा था मुझे <coughs> अगला इसमें दिया हुआ है इन रो ऑफ गर्ल्स पूजा सेवन फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड वंदना नाइन ना फ्रॉम द राइट एंड इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन देन पूजा बिकम्स इलेवन फ्रॉम द लेफ्ट एंड हाउ मेनी गर्ल्स आर इन द रो पंक्ति में कुल कितने बच्चे पूछा गया है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है देखिए कंप्लीट रो आपके सामने दी गई है ऐसे तो पूजा सेवन फ्रॉम द लेफ्ट पूजा का जो स्थान है बाएं छोर से पूजा की पोजीशन लेफ्ट से सेवन सात नंबर पे पूजा है अच्छा वंदना नाइन फ्रॉम द राइट इंटरचेंज करने के बाद आपस में अदला बदली होती है तो यहां पे दिया है पूजा बिकम्स इलेवन फ्रॉम द लेफ्ट एंड पूजा की जो पोजीशन है लेफ्ट से कितना होता ग्यारह अब देखिए पहले सात दिया था सात का मतलब है पूजा फिर जब ग्यारह है इसका मतलब आगे बढ़ रही है तो पूजा यहां से ग्यारह हो जा रही है पूजा की जो पोजीशन वो ग्यारह हो जा रही है लेकिन पूजा किसकी सीट पे आ रही है पूजा वंदना की सीट पे आ रही है इसका मतलब वंदना यहां बैठी है वंदना यहां बैठी है और वंदना का जो स्थान है वो राइट एंड से कितना है नाइन्थ है, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया गया द राइट एंड वंदना तो की जो पोजीशन है वो राइट से नाइन्थ है। अब देखो बच्चों यहां पे सिंपल आपसे पूछा क्या गया हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो पंक्ति में कुल कितने बच्चे कुल कितनी लड़कियां है तो टोटल अगर निकालना है तो सबसे सही तरीका है किसी भी एक गर्ल्स की पोजीशन दोनों छोर से मिल जाए दोनों छोर का मतलब मेरा यहां पे क्या है लेफ्ट और राइट ठीक दोनों छोर से मिलने पे उनको जोड़ लेते हैं और जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या उसमें टोटल नंबर से ज्यादा होती है इसका मैं आपको तरीका बताऊं जैसे आपके पास पांच उंगलियां है इसमें किसी भी एक उंगली की पोजीशन को दोनों छोर से जोड़ो जैसे ये उंगली मैंने फोल्ड किया मिडिल वाली इसकी पोजीशन बाएं से भी तीन है दाएं से भी तीन है और तीन तीन छे होगा लेकिन उंगलियां कितनी है पांच ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इसी को दो बार बोलते हो एक बार बाएस एक बार दाएस एक्स्ट्रा हो जाता है तो इस, इस ये कौन सा आपके दिमाग में रहेगा तो वंदना की पोजीशन जो यहां पर है ये पूजा की पोजिशन हो गई अब पूजा बाएं से ग्यारह हो गई जब पूजा बाएं से ग्यारह हो गई है तो वंदना की चेयर पर बैठ गई इसका मतलब उसका भी नंबर अब दाहिने से नौ हो गया है 11 तो और नौ कितना आ गया बीस जोड़ने पे उंगलियों की छोर को जोड़ेंगे छह आएगा लेकिन उंगलियां पांच है तो इसका मतलब यहां पे लड़कियां कितनी है उन्नीस उन्नीस आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन <coughs> डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहां पे आपको क्या दिया है फाइंड आउट द सेट ऑफ नंबर सेट्स ऑफ नंबर गिवेन इन द अल्टरनेटिव विच इज सिमिलर टू द सेट गिवेन विकल्प में दिए गए संख्याओं के चार सेट में से संख्याओं का वह सेट ज्ञात कीजिए जो प्रश्न में दिए गए सेट के समान है ठीक है जो लॉजिक बच्चा यहाँ पे चल रही होगी वही लॉजिक हमको वहां पर देखनी है और जैसा कि मुझे दिख रहा है पांच में अगर तेरह से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पैसठ है मतलब ये तेरह पांच पैंसठ का मामला बन रहा है ठीक ऐसा ही हमें ऑप्शन यहां पर देखना है तो नौ बहत्तर छह सत्य बयालीस ग्यारह अट्ठासी बिल्कुल आसान सा विकल्प हमारे सामने दिख रहा है सी वाला विकल्प ये आपको फॉलो कर रहा है यहां पर भी आठ गुड़े ग्यारह कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा अट्ठासी हो जाएगा आठ गुड़े ग्यारह कर दिया जाए तो अट्ठासी हो जाएगा सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा क्लियर है चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है परीक्षा में आता ही आता है आई इज कॉल्ड हैंड हैंड इज कॉल्ड माउथ माउथ इज कॉल्ड ईयर ईयर इज कॉल्ड नोज अ पर्सन हियर यदि को हाथ कहा जाता है हाथ को मुंह कहा जाता है मुंह को कान कहा जाता है कान को नाक कहा जाता है तो नाक को जीभ कहा जाता है ये व्यक्ति किससे सुनेगा तो सुनता तो आदमी कान से है लेकिन कान को कहा क्या जाता है कान की कोडिंग क्या की जाती है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सीधे सीधे लिखा है ईयर इज कॉल्ड नोज कान को क्या कहा जाता है नाक कहा जाता है कान को नाक कहा जाता है इसका मतलब वो व्यक्ति नाक से सुनेगा क्योंकि कान की कोडिंग नाक हो गई है क्लियर है कान की कोडिंग क्या हो गई नाक हो गई है ईयर इज कॉल्ड नोज तो कान की कोडिंग आपकी नाक हो जाएगी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन एम एन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इमेज ऑफ द गिवन क्वेश्चन फिगर यदि एक दर्पण को रेखा एम एन पर रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी दी गई प्रश्न आकृति की सही छवि है ठीक है देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये मिरर इमेज रखा हुआ आपका सबसे पहले आपको सी मिलना चाहिए सी सारे विकल्प में सही बना हुआ है ठीक है उसके बाद आप पी देखेंगे तो पी आप देखेंगे तो पी की जो कंडीशन है इसमें तो गलत बनी हुई है पी की कंडीशन इसमें गलत बनी हुई है ना उसके बाद पी की जो कंडीशन है वो <coughs> बाकी में तो सही बनी हुई है अब हम लोग क्या करते हैं अब हमारा जो है तीन नंबर देख लेते हैं तीन नंबर में ये तो आपका गलत बना हुआ है अच्छा उसके बाद फिर क्या करते हैं उसके बाद आपको देखना जेड जेड के बारे में अगर हम देखेंगे तो जेड की जो कंडीशन है बच्चों वो यहां पर आपकी सही है बट ये जो जेड है यहां पर भी सही है यू भी सही है है ना कि पलट गया है इसका मतलब सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ए वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए इज द राइट आंसर क्लियर है कभी भी मिरर इमेज में कोई भी चीज अपोजिट नहीं होती है मिरर इमेज में कोई भी चीज अपोजिट नहीं होती है इसलिए सही आंसर आपका ए वाला हो जाएगा अगला क्वेश्चन वट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पे क्या आएगा ठीक है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत प्यारा और आसान सा क्वेश्चन है वन में थ्री ऐड कर दिया जाए तो फोर मिल जाएगा फोर में सेवन ऐड कर दिया जाए इलेवन मिल जाएगा इलेवन में सेवन ऐड कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा एटीन मिल जाएगा तो एटीन में फिर क्या ऐड कर दिया जाए इलेवन ऐड कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा अट्ठारह ग्यारह उनतीस ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा है ना तीन चार सात यहाँ पे सात होना चाहिए देखो पहले यहाँ पे तीन जोड़ा था थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में यहां लिख दिया है वन थ्री फोर फोर और सेवन एक तीन चार फिर चार सात चार ग्यारह ठीक है फिर सात और ग्यारह हां बिल्कुल सही है कोई बात नहीं आगे पीछे हो गया चल जाएगा ठीक है वाट विल कम प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा एक सीरीज चल रही है देखते हैं बच्चों क्या है यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर अब हाँ। देखो पहले क्या हो रहा है ये एक सिंगल एरो ले लिया जाए नीचे की ओर है ठीक है ये सिंगल एरो नीचे की ओर चल रहा है तो इसका मतलब यहां पर ये एरो लेटा हुआ है यहाँ पे पहले खड़ा था फिर लेटा हुआ अब खड़ा होगा और खड़ा का मतलब इसमें सारे ऊपर की ओर है तो चलो भाई सारे ऊपर की ओर चल जाएगा हम्म ये एरो ऐसे है फिर ये लेट गया ये ऐसे हो गया इसका मतलब खड़ा होगा तो ऐसे होगा ऐसे का मतलब है इसमें ए और सब में ऊपर की ओर दिया हुआ है ठीक है अब इसका साइड देखो पहले ये आपका नीचे की ओर था ये ये आपका नीचे की ओर है फिर ये आपका ऊपर की ओर जा रहा है इसका मतलब ये एरो यहां होगा तब घूम के आया होगा तो यहां पे जो साइड है वो ए वाली तो कैंसिल कर दो डी वाली कैंसिल कर दो ठीक <coughs> दूसरी चीज ये भी देखना है देखो बी और सी में किधर जाएगा यहां से यहां है यहां से नीचे फिर इस साइड बनेगा फिर ऊपर बनेगा तो सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा सी <coughs> वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा सी इज द राइट आंसर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका फ्रॉम द गिनेटिव वर्ड सेलेक्ट दिम दिए गए वैकल्पिक शब्दों में सो शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है देखिए जितने लेटर यहाँ पर दिए हैं वही अक्षर बन सकता है जिसमें सारे वो लेटर हैं तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन सा हम बना सकते हैं ठीक है थीके? सिंपल सा क्वेश्चन है देखिए यहां पर आप देख रहे हैं लास्ट में वाई लिखा हुआ है वाई जो की डिमासन में वाई तो नहीं है इसका मतलब पहला वाला तो आपका नहीं बन सकता है दूसरा है मोस्टोस तो इसमें एमओ एन एस टी आर ओ यूएस यहाँ पे यू कहीं नहीं दिख रहा है यू नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये भी नहीं बन सकता है ठीक है मोन्स्टर तो है मोन्स्टर में एमओ एन एस टी ई आर सब कुछ तो दिख रहा है ट्रांजिशन में टी आर एन एस टी आर डबल आई डबल आई की यहां पे यहां पे सिंगल आई है इसका मतलब यहां पे सिंगल आई या डबल आई डी नहीं बनेगा आंसर सी वाला करेक्ट हो जाएगा सी वाला जो है आपका डिमोस्ट्रेशन से बन सकता है ठीक है नजरें बहुत तेज रखनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चन के लिए निगाहें आपको रखनी पड़ती है पैनिंग ठीक बढ़िया सर अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विथ रिगोर्ड टू द गिवे फिगर दी गई आकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है देखिए यहां पे आकृति बनाई गई है और इस आकृति में आपको बहुत सारी चीजें दी गई ठीक है ये आपको ट्रायंगल दिया गया है कहता ए एंड बी आर द थ्री शेप ए एंड बी आर द ये तो आल नहीं ए और बी तो तीनों शेप में नहीं तो पहला तो गलत हो रहा है ई ए बी एंड सी आर इन ऑल द थ्री शेप ये भी गलत हो रहा है एफ सी डी बी एंड आर एंड आल गलत हो रहा है बच्चा क्या ओनली बी बीज द दल बिल्कुल सही जवाब है बी वाला जो है वो सारे शेप को पकड़ रहा है

आइए इसको हम आपको पहले डायग्राम के थ्रू बनाते हैं एक कस्बे में पैंसठ लोग दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं चालीस परसेंट समाचार पढ़ते हैं और पच्चीस परसेंट लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं और दूरदर्शन पर समाचार ये दोनों कॉमन एरिया में चले जाएंगे ठीक है तो जैसे ये हम आपको बता दें ये वाला हमारा जो मान लिया दूरदर्शन हो जाएगा ये हमने क्या बना दिया दूरदर्शन का सर्कल बना दिया और ये है न्यूज का ये वाला सर्कल क्या हो जाएगा आपका न्यूज न्यूज़पेपर का ये एक्स कर दिया ये वाई हो गया और ये जेड हो गया तो वाई वाले जो लोग हैं वो कॉमन एरिया में है दोनों लोग हैं जो कि 25 परसेंट पे आते हैं और 65 परसेंट और 40 परसेंट है ना तो टोटल हंड्रेड परसेंट पे बात होगी सौ लोगों को बात होगी अब देखिए सौ लोगों पे बात हमें करनी है उसके बाद हमें बताना कितने प्रतिशत लोग जो है समाचार कितने प्रतिशत लोग ना तो दूरदर्शन पर समाचार देखते ना ही समाचार पत्र पढ़ते हैं हम्म देखिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं यहाँ पे पैंसठ का मतलब है एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई ये दोनों कितने हैं पैंसठ क्योंकि तो हंड्रेड पे बात चल रही है उसके बाद चालीस परसेंट वाई और जेड वाई और जेड आपके कितना है चालीस परसेंट रहेगा वाई और जेड चालीस परसेंट अब इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको सोल्व तो करेंगे तो वाई और जेड है यहाँ पे टू वाई हो जाएगा यानी कि इसको सोल्व करने पे हमें लगता है पैंसठ चालीस वाई की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी पच्चीस ठीक वाई की पच्चीस निकल जाएगी एंड एक्स uh, बचेगा उसकी आपकी आ जाएगी चालीस और जेड की बचेगी पंद्रह ठीक है इक्वेशन को सॉल्व करके पूरा आ जाएगा आपका तो पच्चीस पंद्रह चालीस चालीस अस्सी तो ये तीनों हो गया अस्सी पच्चीस प्लस पंद्रह और प्लस चालीस तीनों को जोड़ने पे अस्सी आ गया और परसेंटेज सौ पे है तो कर दो माइनस बीस बचेगा तो डी वाला आंसर आ जाएगा जो कि जो लोग जो कि आपका कोई नहीं देखता होगा बीस वाला आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सेट ऑफ लेटर प्लेस्ड एट द ब्लैंक स्पेस इन द गिवन लेटर सीरीज विल कंप्लीट इट अक्षरों का कौन सा समूह जब दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखा जाता है इसे पूरा करेगा आइए बढ़िया सा क्वेश्चन दिख रहा है जैसे कि हमें शुरुआत में सीरीज दिख रही है ट्रिपल सी की तो इसका मतलब ट्रिपल सी तो बनना ही बनना है फिर ट्रिपल बी बना देते हैं ट्रिपल बी कर सकते हैं ट्रिपल बी आ जाए फिर ट्रिपल ए ले लेते हैं तो ट्रिपल ए आ जाएगा फिर ट्रिपल सी कर देते हैं ट्रिपल बी दिया हुआ ट्रिपल ए दिया हुआ है ठीक है इस तरीके से आपका बिल्कुल सही जवाब इसमें बी पहले लगाया मैंने यहाँ पे बी लगाया है फिर हमने ए लगाया है फिर सी लगाया है फिर लास्ट में हमने फिर ए लगाया है तो इसका सही जवाब हमारा बी वाला हो जाएगा बड़ा अच्छा सा सीरीज बन गई है CC BBAA. CC BBAA. और फिर स्टार्ट होगा सीसी से तो अच्छी सीरीज है प्यारे सीरीज बनने आपका फ्रॉम द गि एंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिड एंड एम्पाइडेड दिए गए उत्तराकृतियों में से उस उत्तराकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी और अंतर नहीं थे ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन फिगर है किस में ये आएगा ये आपको ध्यान देना है आइए दिखाते हैं ये वाली जो आकृति है वो हमारी किस आकृति में जाके छिप रही है <coughs> देखिए ऊपर ये हमको चाहिए चाहिए तो डी वाले विकल्प में कहीं से नहीं आएगा ठीक है डी वाले में नहीं आएगा सी में भी नहीं आएगा डेफिनेटली ए वाले विकल्प में आपके सामने आकृति छिप रही है आप देख रहे हैं ना आसान सा क्वेश्चन है ट्रेंगल आप ऐसे कर लीजिए ऐसे कर लीजिए इसके बाद आप इसको ऐसे कर लीजिए तो ए वाला विकल्प आपका यहां पे हो जाएगा राइट आसान सा क्वेश्चन है। इमेज क्वेश्चन फिगर। प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा देखो जल प्रतिबिंब में चीजें उल्टी होती हैं। मतलब यहां पर ऐसे पानी बनेगा ठीक है भैया तो अपोजिट होंगी ऑर्डर यही रहेगा ऑर्डर यही रहेगा अपोजिट होंगी तो देखो एस पलटेगा सब में पलटा हुआ ओ पलटेगा सब में पलटा हुआ है एल पलटेगा ठीक है एल पलटेगा लेकिन साइज जो है वही रहेगी तो ये वाला तो हो रहा है गलत क्योंकि ये एल आपका गलबड़ हो रहा है ठीक है अच्छा ए पलटेगा बिल्कुल पलटेगा सी पलटेगा लेकिन जो सी का पलटना है सी जो पलटेगा उसका मुंह ध्यान देना पड़ेगा उसका मुंह नहीं बदलेगा तो यहां पर ये वाला मामला गलत हो गया इसका मुंह चेंज हो रहा है ठीक अच्छा अब अपने पास बचता क्या है बी ओ डी बी ओ डी देखिए क्या चीज ऐसी है जो हम फूल रहे हैं बाकी तो सही लग रहा है अच्छा ओके 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 बी वाले में जो एस की कंडीशन है वो गलत बनी हुई है यहाँ पे एस गड़बड़ बना हुआ ये नहीं होगा तो बचा क्या बी वाला बी वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाले में तो ऐसा एज, रखा हुआ था डी को हमें पहले ही काटना चाहिए था कंप्लीट द गिवेन पैटर्न बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव सही विकल्प चुन करके दिए गए पैटर्न को पूरा करा जाए यहां पे आकृति दी हुई है और इस आकृति को हमें पूरा करना है तो सिंपल सा तरीका जो मुझे दिख रहा है इसमें आकृति पूरा करने के लिए हम लोग जो है बी वाले को उठा लेते हैं बी वाले को उठा लेते हैं हंड्रेड परसेंट जैसा ये बना रहा है ये ऐसे ही बन रहा है क्लियर है जैसा ये बना रहा है ये ऐसे ही बन रहा है तो बी वाला विकल्प आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट सिक्स मेंबर ऑफ अ पैनल आर सिटिंग इन अ रो एक पैनल में छह पंक्ति में लोग बैठे हुए हैं यू इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एंड वी इज द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ एक्स वाई द राइट ऑफ जेड हु इज द लेफ्ट ऑफ एक्स फाइंड द मेंबर हु आर सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो चलिए आइए इसको बनाते हैं सबसे पहले कहता है यू इज द इमीडिएट लैपटॉप बी यू इज द इमीडिएट लैपटॉप बी ये यहां पर कर दिए यू जो है इमीडिएट कहा है वी के लेफ्ट में है ठीक है एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू और डब्ल्यू के राइट right में है तो यू के बारे में बात कर रहा है यू जो है वी के लेफ्ट में है और डब्लू के राइट right में है तो डब्ल्यू आपका यहां पर आ जाएगा और W who is द इमीडिएट राइट ऑफ एक्स W को लेके क्या कह रहा है इमीडिएट राइट ऑफ एक्स W राइट right है x के इसका मतलब x आपके सामने यहां हो जाएगा इज द लेफ्ट ऑफ x? Z को बोला जा रहा है Z जो है x के लेफ्ट में है तो Z जो है कहां है x के लेफ्ट में हो जाएगा और y इज द राइट ऑफ z? Y इज द राइट ऑफ तो y जो है z के राइट में है इसका मतलब यहां से थोड़ा सा आपको हटाना पड़ेगा इसको क्योंकि इमीडिएट वर्ड यहाँ पे यूज नहीं हुआ है y इज द राइट ऑफ z y इज द राइट ऑफ z और हु इज लेफ्ट ऑफ x तो x के लेफ्ट में है बट ये नहीं बोला गया है कि एग्जैक्ट बोला गया है तो हमें ठीक बैठे व्यक्ति को बताना है तो यहां पे दो हो जाएंगे यहाँ पे दो हो जाएंगे बचता कौन है एक्स w ठीक है ओके क्या हुआ है कुछ गड़बड़ हो गया क्या यू इज द इमीडिएट laptop बी यू इज द इमीडिएट laptop B, बी एंड इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू एंड इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू बिल्कुल यहां पे सही था हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ एक्स हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ एक्स वाई इज द राइट ऑफ तो वाई इज द राइट ऑफ जेड हु इज द लेफ्ट ऑफ एक्स वाई इज द राइट ऑफ जेड हु इज द लेफ्ट ऑफ एक्स वाई जो है राइट ऑफ जेड है और जेड जो है लेफ्ट में है तो इसका जो है मामला एक्स डब्लू तो ऑप्शन में दिया भी नहीं है डब्लू और यू इसका मतलब है इसका मतलब है कि वाई इज द राइट ऑब्जेट वाई इज द राइट ऑब्जेट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या गड़बड़ किया गया है वाई इज टू द राइट ऑब्जेट वाई जेड के दाई है जेड हु इज द लेफ्ट ऑफ एक्स जेड जो है वो लेफ्ट ऑफ एक्स एक्स के लेफ्ट में जेड है राइट ऑब्जेक्ट वाई इज द राइट ऑब्जेक्ट इसका मतलब राइट ऑब्जेक्ट क्योंकि लेफ्ट में बोला ये इस कंडीशन बन रही okay. थिक, 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 थिक. अब सही है तो डब्ल्यू और यू जो है बीच में आएंगे w और यू हाँ बिल्कुल सही जवाब है वो राइट ऑफ जेड की लैंग्वेज कंफ्यूजन हो रही थी जेड के राइट वहां पहुंच जाएगा यहां पर नहीं क्योंकि लेफ्ट इसको रखना है कंडीशन सही है ऑप्शन दैट द सेम बिटवीन वर्ड पेयर एज द फॉलोइंग वर्ड पेयर उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द युग्मों के बीच वही संबंध है ठीक है तो देखिए यहां पे खगोल खगोलशास्त्री वेदशाला ठीक है तो खगोल शास्त्री जो है वेदशाला में मतलब वहां पे काम करता है वैसे जो फार्मर है वो कहाँ काम करता है खेत में काम करता ये तो आसान सा क्वेश्चन है फार्मर जो है वो फार्म पे काम करता खेत में काम करता है ठीक अगला क्वेश्चन अर्जुन वाक्स टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन अर्जुन चलता है ईस्ट की ओर आफ्टर वॉकिंग फिफ्टी मीटर पचास मीटर चलने के बाद तो सबसे पहले अर्जुन को चला दिया जाए ईस्ट की ओर पचास मीटर

ये थर्टी मीटर हो गया फर्दर ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक फिफ्टीन मीटर वहां से फिर लेफ्ट टर्न करता है चलता पंद्रह मीटर देखो ये क्लॉक है, है यहीं पर आ गया सीधे पंद्रह मीटर यहां पर आ गया ठीक है हाउ फार इज फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर देखो यहां पर आ चुका ये तीस मीटर यहां पर है ये पचास था कितना बच्चा बीस मीटर बच्चा है तो बीस मीटर का मतलब है सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा क्लियर है वाला जो विकल्प है वो आपका यहां पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा अगला क्वेश्चन विच लेटर ग्रुप विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सा अक्षर समूह चिन्ह का स्थान लेगा ठीक है चलिए देखते हैं भाई लॉजिक क्या चल रही है जी से जे तक जाएंगे प्लस तीन हो जाएगा सात तीन दस जे से एम तक जाएंगे प्लस तीन हो जाएगा दस तीन तेरह तेरह तीन सोलह इसका मतलब अगला नंबर भी तीन होगा सोलह तीन उन्नीस ऐसा आएगा यहां पे, लेकिन आपके सामने दो विकल्प एस के हैं, इसलिए आर का विकल्प तो काटते लेकिन दो एस के विकल्प है आगे देखते हैं। चौबीस नंबर है बाईस नंबर है माइनस टू हो जाएगा ट्वेंटी माइनस टू हो जाएगा अठारह माइनस टू हो जाएगा फिर देखिए दो दो चार फिर दो बढ़ेगा चार दो छ फिर होगा छ दो आठ फिर होगा इसका मतलब यहां पर भी आपको माइनस टू ही करना था अट्ठारह में से माइनस टू जाएगा तो पी हो जाएगा सोलह और इसका मतलब यहां पे प्लस टू करना था तो आठ दो दस यानी जे आएगा एस पी जे एस पी जे का मतलब डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा spj spj का मतलब b वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट विकल्प हो जाएगा क्लियर है नेक्स्ट सेलेक्ट एन ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर ग्रुप इन द सेम वे एज़ द सेकंड लेटर ग्रुप इज द फर्स्ट लेटर ग्रुप उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से सूची प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है ठीक है चलिए देखते हैं क्या होगा यहां पे आंसर पहले आप देखिए इसके बीच में क्या चल रहा है डी से आई चार पांच नौ एफ से आई तीन नौ नो 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 हां प्लस थ्री प्लस थ्री हो जाएगा ठीक अच्छा उसके बाद ये छब्बीस है और ये इक्कीस है तो ये है माइनस पांच ठीक प्लस पांच प्लस थ्री माइनस पांच ये लॉजिक हमें यहाँ पे दिखाई पड़ी ये माइनस पांच है अब हमें भी यही करना है तो सबसे पहले ये जो आपका k है ये उल्टा लाओ क्योंकि ये प्लस पांच होगा तो ग्यारह में से पांच जाएगी छह बचेगी यानी यहाँ पे f होना चाहिए तो 5 तो तो पांच 11 बनेगा एफ का मतलब है ऑप्शन ई e वाले तो कैंसिल करो फिर यहाँ पे प्लस थ्री मतलब माइनस थ्री हुआ होगा तो ये बारह तो बारह का मतलब यहाँ पे नौ होगा यानी आई नौ तीन बारह हो जाएगा आई का मतलब है सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट जा रहा है अब देखो यहां पे टी है ये आपका माइनस पांच हुआ होगा इधर से ठीक तब तो आपका बनेगा तो बिल्कुल सही आंसर आपका सी वाला है सी इज द राइट आंसर क्लियर है हाँ सी <coughs> वाला आपका राइट right आंसर है चलो भाई अगला क्वेश्चन देखा जाए फोर नंबर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच आर अलाइक इन सम मैनर विच वन इज डिफरेंट चूज द ऑर वन चार संख्या दी गई है जिनमें से तीन किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है असंगत का चयन करें, डिफरेंट आपको बताना है पच्चीस तैतीस सत्ताईस पंद्रह आसान लग रहा है तैतीस तीन से कट जाएगा सत्ताईस भी तीन से कट जाएगा पंद्रह भी कट जाएगा पच्चीस नहीं कटेगा बस यही आंसर हो गया और कुछ करना ही नहीं ए वाला आपका हो जाएगा डिफरेंट क्योंकि बाकी तीन से डिविजिबल है ए आपका तीन से डिविजिबल नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर नंबर पेयर्स आर सिमिलर इन द सेम वे एंड वन इज डिफरेंट सेलेक्ट दैट डिफरेंट पेयर निम्नलिखित चार संख्या जोड़ियों में से तीन की कितना समान और एक भिन्न है उस भिन्न भिन जोड़ी का चयन करें पच्चीस पैंसठ छियालीस चौंसठ अट्ठाइस बयासी बासठ छब्बीस कितना आसान है नंबर आपस में इंटरचेंज है देख रहे हैं आप छियालीस चौंसठ आपस में इंटरचेंज है अट्ठाइस बयासी इंटरचेंज है बासठ छब्बीस इंटरचेंज है पच्चीस और पैंसठ आपका इंटरचेंज नहीं है इसीलिए आपका ए वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट हो जाएगा पच्चीस पैसठ आपस में इंटरचेंज नहीं है आपका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा नेक्स्ट सेलेक्ट द द सेट 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 ऑफ नंबर दैट इज सिमिलर टू फॉलोइंग संख्याओं के उस सेट का चयन करो जो निम्नलिखित सेट के समान है ग्यारह सोलह इकतीस ठीक है तो चलते हैं भाई देखते हैं इसमें लॉजिक क्या चल रहा है सबसे पहले हमको लॉजिक निकालनी पड़ेगी कि इसकी लॉजिक क्या चल रही है ग्यारह सोलह की लॉजिक क्या चल रही है ग्यारह में अगर हम पांच जोड़ दें तो क्या हो जाएगा ग्यारह पांच सोलह ग्यारह पांच सोलह ग्यारह पांच सोलह सोलह में पंद्रह जोड़ दिया जाए तो इकतीस ग्यारह पांच सोलह सोलह पंद्रह इकतीस सत्रह पांच बाईस बाईस पंद्रह सैतीस गजब ये तो पहला ही आंसर में दिख गया पहला ही बिल्कुल सही है सत्रह पांच बाईस सत्रह पांच बाईस और बाईस पंद्रह सैतीस ए वाला जो विकल्प है यही आपका हो जाएगा करेक्ट विकल्प बिल्कुल सही जवाब है ठीक चलो भाई कार्तिक स्टार्ट फ्रॉम द मॉल कार्तिक मॉल से शुरुआत करता ही वॉक टेन एट किलोमीटर टूअर्ड नॉर्थ पहले वो आठ किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाता है आठ किलोमीटर जाता है शुरुआत कहां से चलना शुरू करता मॉल है चलना शुरू करता है ही वॉकड एट किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ देन ही टर्न राइट एंड वॉक थ्री किलोमीटर वहां से राइट मुड़ता है चलता है तीन किलोमीटर राइट मुड़ता है चलता है तीन किलोमीटर राइट मुड़ता है, चलता है तीन किलोमीटर आफ्टर दैट ही टर्न राइट एंड वॉकड फाइव किलोमीटर राइट मुड़ने के बाद चलता है पांच किलोमीटर फिर राइट मुड़ेगा चलेगा पांच किलोमीटर यानी वापसी लेगा ये चलेगा पांच किलोमीटर ठीक है अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक सेवन किलोमीटर फिर राइट right टर्न करेगा चलेगा सात किलोमीटर फिर राइट right चलेगा क्लॉकवाइज मुड़ रहा है यानी कि सात किलोमीटर चलेगा देखो ये ऐसे ये आपका हो जाएगा सात तो ये तीन हो जाएगा ये चार हो जाएगा अच्छा नाउ व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मॉल एंड लास्ट पोजीशन अब ये आपको बताना है मॉल और इसकी पोजीशन टोटल आठ था ये पांच हो चुका ये तीन बचा है ना ये चार बचा पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है चार का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर चार का स्क्वायर सोलह तीन का स्क्वायर नौ सोलह नौ पच्चीस पच्चीस में रूट लगा दो कितना आएगा पांच किलोमीटर आपका आ जाएगा सी वाला जो विकल्प 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 वो आपका आपका करेक्ट करेक्ट हो हो जाएगा वाला हो जाएगा वाला पे विकल्पेस्ट वन ऑफ डिफरेंट चूज दैट डिफरेंट ऑप्शन निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन एक विशेष संदर्भ में दूसरे के समान है उनमें से एक अलग वो विकल्प भी चुने आइए देखते हैं क्या होगा डिफरेंट यहाँ पे डिफरेंट hmm. यहाँ पे क्या बन सकता है जैसा कि हमें देखने से लग रहा है यहाँ पे डिफरेंट आंसर क्या बनेगा जैसे ई जी हम्म पांच नंबर है ये पांच है सात है नौ है ग्यारह है तेरह है दो दो का गैप दिख रहा है चौदह सोलह अठारह बीस बाईस यहाँ पर भी दो का गैप है तेरह पंद्रह सत्रह उन्नीस इक्कीस यहां पर भी दो का गैप है नौ दो ग्यारह ग्यारह बारह गलत हो गया डी वाला विकल्प आपका डिफरेंट हो जाएगा बाकी शुरुआत के ए बी सी तीनों में दो दो का गैप चल रहा है ऊपर के जो तीनों विकल्प हैं ए बी सी उसमें जो लेटर का गैप है वो दो जैसे ई e, पांच जी सात सात दो नौ दो ग्यारह ग्यारह दो तेरह जैसे एनपीआर टीवी देख रहे चौदह दो सोलह दो अठारह दो बीस दो बाईस तेरह दो पंद्रह सत्रह दो उन्नीस दो इक्कीस लेकिन लास्ट में नौ नौ दो ग्यारह तो हुआ है, लेकिन ग्यारह के बाद तेरह होना चाहिए था बट वहां पे एल दिया हुआ है इसलिए डी वाला जो विकल्प है वो आपका डिफरेंट विकल्प हो रहा है क्लियर है नेक्स्ट विच लेटर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा ठीक है एक्स वी टी आर पी देखो भाई x की प्लेस वैल्यू होती है 24 v की होती है 22 t की होती है 20 r की होती है 18 p की होती है 16 मतलब -2 -2 -2 चल रहा है तो लास्ट में फिर -2 करेंगे तो 14 आएगा 14 का मतलब यहाँ पे क्या चाहिए n आना चाहिए n का मतलब c वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा एन का मतलब सी वाला जो विकल्प है वो आपका यहां पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा अगला क्वेश्चन विच नंबर विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी ठीक है आइए देखते हैं एक का पांच से मल्टीप्लाई तो पांच पांच का पांच से मल्टीप्लाई तो पच्चीस ठीक है पच्चीस का भी पांच से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो मुझे लग रहा हो जाएगा एक सौ पच्चीस और एक सौ पच्चीस में भी पांच का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाएगा इकतीस पच्चीस इसका मतलब एक सौ पच्चीस यहां पर आएगा एक सौ पच्चीस यहां पर आएगा बी वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा बी वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा एक निश्चित कोड भाषा में हैमर को लिखा जाता है जी बी एल एनडीएस अब देखिए कोड क्या चल रहा है पहले हैमर कोडिंग हमें दी गई है एच ए डबल एम ई आर हैमर इसकी कोडिंग है जी बी एल जी बी एल ए एन ये इसके सामने है इसके सामने है जी बी एल ए एन डी एस जी बी एल ए एन डी एस ये कहाँ से आ गया भाई हैमर में एच ए डबल एम ई आर है एच ए डबल एम ई आर है जी बी एल एन डी एस जी बी एल एनडीएस है सॉरी सॉरी ये गलत आ गया है जी एनडीएस है GBL ये इंग्लिश में गलत लिख गया यार यहां पे, वही गड़बड़ कर रहा हमको हम इंग्लिश देख ले यहां पे सही लिखा जी बी एल डी हाँ वही गड़बड़ कर रहा है अब आप देख लो आठ नंबर है सात नंबर है एक कम हो गया है एक नंबर है दो नंबर है प्लस वन हो गया तेरह है बारह है माइनस वन हो गया है फिर तेरह है चौदाह हो गया है प्लस वन हो गया अल्टरनेट चल रहा है माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन ठीक है तो आपको जो लॉजिक यहां पे मिलेगी निडिल की पहला काम है माइनस वन चौदह में से एन जाएगा तेरह एम से शुरुआत होगी और एम से शुरुआत है तो ये दो विकल्प तो उड़ा दो आप ठीक फिर करो प्लस वन पांच एक यानी कि एफ आएगा एम एफ फिर करो माइनस वन पांच एक डी आएगा ठीक तो डी का मतलब डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा लेकिन आगे भी हम चेक कर लेते हैं फिर प्लस वन आएगा चार एक पांच ई आ जाएगा फिर माइनस वन है बारह एक तेरह आ जाएगा नहीं, बारह में से ग्यारह आ जाएगा फिर प्लस वन है पांच एक छ आ जाएगा ठीक डी वाला जो विकल्प है वो आपका राइट विकल्प है नेक्स्ट आइडेंटिफाई वन फ्रॉम द गिवन ग्रुप ऑफ लेटर अक्षरों के दिए गए समूह में बेजोड़ को पहचानने चलिए आइए देखते हैं यहां पे क्या होगा एल एम ओ क्यू तो बारह है तेरह है पंद्रह है सत्रह है मतलब यहां पे प्लस वन है यहां पे प्लस टू है यहां पर प्लस टू है नीचे देखिए आप डी एफ एच जे ये चार दो छ है ये छे दो आठ है ये आठ दो दस है टीवी एक्सजेड देख लीजिए आप बीस दो बाईस है बाईस दो चौबीस है चौबीस दो छब्बीस लास्ट में भी आपका बच रहा है जी आई के एम तो जी आई के एम सात दो नौ है नौ दो ग्यारह है ग्यारह दो तेरह है ए वाला जो विकल्प है वही डिफरेंट हो जाएगा ए वाला जो विकल्प है वही आपका डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि यहां पे क्या चल रहा है प्लस वन चल रहा है बाकी सब में प्लस टू प्लस टू चला गया है बाकी सब में प्लस टू प्लस टू गया है ए वाला विकल्प आपका डिफरेंट हो जाएगा अगला क्वेश्चन फोर पेयर ऑफ नंबर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक इन सम मैनर वाइल वन इज डिफरेंट चूज द ऑड वन संख्याओं के चार जोड़े दिए गए हैं जिनमें से तीन के साथ समान है एक अलग है 11, 13, 23, उन्तीस सत्रह इक्कीस तीन पांच अब देखिए 11, 13 दोनों ही आपके क्या हैं प्राइम नंबर है तेईस उन्तीस भी प्राइम नंबर है तीन पांच भी प्राइम नंबर है सत्रह इक्कीस में इक्कीस प्राइम नंबर नहीं है इसीलिए इस वाले विकल्प को हम अलग कर देते हैं सत्रह इक्कीस में इक्कीस प्राइम नंबर नहीं है इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं विकल्प अलग कर देते हैं ठीक अगला क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ ए डाइस आर सोन बिलो हिच नंबर विल बी ऑन द अपोजिट फेस ऑफ नंबर वन एक पासे की विभिन्न दिखाई गई है एक के अपोजिट आपसे पूछा गया है इसका तरीका है आप इसको रोटेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे यहां पर तीन है पांच है एक है यहाँ पर पांच है तो एक को कॉमन ले लिया जैसे पांच को कॉमन ले लिया जाए पांच आएगा एक आएगा तीन आएगा वहां पर पांच आएगा चार आएगा छ आएगा ठीक तीन का अपोजिट छ हो जाएगा एक का अपोजिट चार हो जाएगा हमसे पूछा गया है एक का नंबर तो एक का अपोजिट यहाँ पे चार दिया गया है इसका मतलब हमारा बी वाला जो विकल्प है वो करेक्ट विकल्प हो जाएगा बी <coughs> वाला जो विकल्प है वो आपका राइट right विकल्प हो जाएगा अगला क्वेश्चन है आपका सिलॉक्स का है ऑल वैंस आर कैट ऑल वैंस आर कैट ऑल वैंस आर कैट ऑल जीप्स आर कैट सारी जीप भी कैट ठीक है तो पहला कंक्लूजन है ऑल वैन जीप गलत है क्योंकि गलत हो जाएगा second some Jeep सार वैन. Jeep आर वैन में भी कोई रिलेशन नहीं है। second वाला भी आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा दोनों ही आपके फॉलो नहीं करेंगे फर्स्ट सेकंड दोनों ही नहीं फॉलो करेंगे तो आंसर होगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो ठीक है अगला क्वेश्चन विच आर रिप्रेजेंट द लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सिक्वेंस ऑफ वर्ड्स बिलो निम्नलिखित में से विकल्प नीचे दिए शब्दों को तार्किक और सार्थक में दर्शाता देखो एक तो परफॉर्मेंस है प्लानिंग है थिंकिंग है फीडबैक है डिस्कशन है ठीक है तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला काम क्या है सबसे पहले हम कुछ सोचते हैं पहला काम क्या करते हैं सोचते हैं यानी थिंकिंग पहले करेंगे Thinking. तो thinking का मतलब है कि हम ये वाला दोनों ऑप्शन हैं अब दो और पांच, दो का मतलब प्लानिंग मतलब तो करने के बाद हम लोग क्या करेंगे के बाद सोचा है तो discussion तो पहले होना चाहिए ना भाई पहले डिस्कशन करना चाहिए कुछ सोच रहे हैं फिर डिस्कस करो फिर प्लानिंग तो हम प्लानिंग करेंगे पांच प्लानिंग के बाद हम क्या करेंगे परफॉर्मेंस परफॉर्म perform करेंगे लास्ट में हम फीडबैक लेकर चले जाएंगे तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी इज द राइट आंसर सी वाला जो विकल्प है ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा <coughs> अगला क्वेश्चन फोर वर्ड्स व्हाइल द फोर्थ वन इज डिफरेंट चूज वन आउट नीचे चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन आपको अलग करने हैं क्लाइम स्टेयर एस्केलेटर एंड लैडर, ठीक है तो बड़ा आसान सा इसमें कॉन्सेप्ट दिया है ठीक है स्टेयर का मतलब होता जीना जीना जानते स्टेयर स्टेयर एस्केलेटर का मतलब एस्केलेटर जो चलता है मॉल वगैरह में लैडर मतलब सीढ़ी तो ये तीनों भैया एक ही चीज है क्लाइंब अलग हो जाएगा वाला विकल्प आपका यहां पे सही हो जाएगा स्टेयर एक्सिलेटर लेडर ये तीनों एक ही चीज है क्लाइम जो है ये आपका यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा चलो अगला क्वेश्चन विच टू सिंबल्स शुड बी इंटरचेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन करेक्टली डिम्बिखित समीकरण को सही ढंग से हल करने के लिए दो प्रतीकों को आपस में बता देखो यहां पे सीधे विकल्प से काम होगा ठीक है विकल्प हमें चेक करते मान लिया पहला विकल्प हम चेक करते हैं मान लें डिविजबल और इनको चेंज कर दे ये मल्टीप्लाई कर दे यहाँ डेमेज भी कर दे तो ये देखिए आप विकल्प में चेक तो जरेंगे लेकिन ये भी ध्यान रखना कि कोई चीज आ, कैंसिल भी होनी चाहिए तभी बात बनेगी तो इस तरीके से मुझे लगता है कि इसको चेंज करने बात बनेगी कैंसिल कट नहीं पाएगा तो इसको हटा दो दूसरा ट्राई मारते हैं बी वाला में मल्ट प्लस और माइनस ये कट जाएगा इस तरीके से पंद्रह एक कम पंद्रह एक हो जाएगा एक गुड़े दस, माइनस प्लस दस माइनस पांच दस एक कम दस प्लस दस माइनस पांच आ गया बीस माइनस पांच बराबर पंद्रह यही आपका सही हो गया ठीक पंद्रह और पंद्रह आ जाएगा मतलब बी वाला जो विकल्प है वो करेक्ट हो गया बी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो गया विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या स्थान लेगी साठ चौसठ बत्तीस छत्तीस अठारह साठ चौसठ साठ में प्लस चार कर दो क्या हो जाएगा चौसठ चौसठ का क्या कर दो डिविजिबल टू कर दो कितना आ जाएगा बत्तीस बत्तीस में फिर चार जोड़ दो क्या आ जाएगा छत्तीस छत्तीस को फिर क्या करो डिविजबिल टू कर दो अट्ठारह ठीक इसका मतलब नंबर अब चार का है अट्ठारह चार बाईस अठारह में चार जोड़ दो बाईस आ जाएगा ट्वेंटी टू का मतलब ए वाला जो विकल्प है वो आपका राइट विकल्प हो जाएगा ए वाला जो विकल्प है वो करेक्ट विकल्प नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सिक्वेंस ऑफ बिलो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक अनुक्रम को दर्शाता है चाइल्डहुड इन्फेंसी ओल्ड एज एंड टीन्स ठीक है तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है इन्फेंसी से शुरू होती है सैसो अवस्था से शुरुआत होती है तीन नंबर शुरुआत होगी तो कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि विकल्प में एक ही विकल्प दिया है तीन नंबर ठीक इसके बारे में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं क्योंकि एक ही विकल्प आपको यहाँ पे दे रहा है जो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है पहले इन्फेंसी आएगी फिर चाइल्ड हो बचपन आएगा फिर पांच नंबर पे टीनी टीन्स हो जाएंगे आप उसके बाद दो नंबर पे आप एडोलेंस किशोर हो जाएंगे और चार नंबर पे आप बूढ़े हो जाएंगे तो ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह बहुत आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है देखो ये सी टी है इसको सीधे पलट दिया गया टी सी यू डी आर आर देख रहे आप टी सी यू डी ओ आर पी सेम फ्रैक्शन आपको दिया गया है चेंज कर दीजिए ओ आई टी सी ए आर एफ ओ आई टी सी ए आर एफ बी वाला विकल्प आपका हो जाएगा सही बी वाला जो विकल्प है ये आपका यहाँ पे राइट बैंक हो जाएगा नेक्स्ट सेलेक्ट एन ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द गिवन सीरीज उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा चलिए आइए देखते हैं तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मिल गया ठीक आसान सा क्वेश्चन है यहां पे क्या चल रहा है बना हुआ है बीकर टाइप का ऐसे है ना ऐसे बना हुआ है फिर भी ऐसे बना हुआ है फिर ऐसे बना यानी ऐसे ही बना रहेगा तो सब में ऐसे ही बना हुआ है यहां पे एक दो तीन चार एक्स है यहां पे तीन यहाँ पे दो यहाँ पे एक फिर यहां पे चार यहाँ पे तीन फिर यहाँ पे दो है फिर एक बाहर निकल गया है, भाई, यहां पे चार है फिर फिर पे पे एक है फिर यहां पे तीन है दो बाहर निकल गया अच्छा तो की तीन बाहर निकलने चाहिए तो आंसर बी वाला मार दो तीन बाहर है यहाँ पे ठीक तीन बाहर है खत्म कहानी तीन बाहर है आपके फोर पेयर्स ऑफ नंबर हैव बीन गिवन आउट ऑफ है अड़तालीस इक्यासी पच्चीस उनचास सोलह छत्तीस चौसठ सो देखिए भैया जो मुझे दिख रहा है चौसठ सो की बात करें तो आठ का स्क्वायर हम्म देखो बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है जैसे पच्चीस पच्चीस और उनचास अरे यार पच्चीस उनचास क्या है ये है पांच का स्क्वायर ये है सात का स्क्वायर होगी कहानी सोलह छत्तीस ये है चार का स्क्वायर ये है छ का स्क्वायर चौसठ सौ आठ का स्क्वायर दस का स्क्वायर ठीक अड़तालीस इक्यासी की बात करें इक्यासी तो नौ का स्क्वायर बस अड़तालीस किसी का स्क्वायर नहीं है इसीलिए ए वाला जो विकल्प है वो आपका यहां पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा ए वाला विकल्प राइट है छब्बीस तेरह सोलह कार्गो क्या होगा टैंक की कोडिंग आपको दी गई है सात है छब्बीस है तेरह है सोलह टी का अपोजिट जी जी का नंबर सेवन एक जेड का नंबर छब्बीस एन का अपोजिट एम एम का नंबर तेरह के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट सोलह मतलब अपोजिट नंबर का यहाँ पे गेम खेला जा रहा है तो कार्गो में आपको जाना है कार्गो सी का अपोजिट क्या होता है एक्स और एक्स का नंबर क्या होगा चौबीस ए का अपोजिट जेड जेड का नंबर छब्बीस आर का अपोजिट आई आई का नंबर नौ जी का अपोजिट टी टी का नंबर ट्वेंटी का अपोजिट के सॉरी एल एल का नंबर बारह चौबीस छब्बीस नौ बीस बारह चौबीस छब्बीस नौ बीस बारह बी वाला जो विकल्प है वो आपका राइट विकल्प हो जाएगा बी वाला विकल्प आपका राइट हो जा रहा है नेक्स्ट आइडेंटिफाई द नंबर विच डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सीरीज उस संख्या को पहचाने जो दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं बहुत आसान सा क्वेश्चन है रोंग नंबर दे रहा है हम्म यहां पे वन का क्यूब कर दिया जाए माइनस वन कर दिया जाए तो जीरो आएगा ठीक है ऐसे दो का क्यूब कर दिया जाए माइनस दो कर दिया जाए तो छ आएगा देखो दो का क्यूब आठ होता है चला गया उसके बाद तीन का क्यूब तीन का क्यूब माइनस तीन कर दिया जाए चौबीस आ जाएगा चार का क्यूब यानी चौसठ माइनस चार कर दिया जाए कितना जाएगा साठ आ जाएगा ठीक का माइनस पांच कर दिया जाए तो बिल्कुल एक सौ बीस आ जाएगा छ का क्यूब माइनस छ कर दिया जाए इसका मतलब छ का क्यूब दो सौ सोलह होता है दो सौ सोलह में से छह घटे कितना आएगा दो दस आएगा यहाँ पे ए वाला विकल्प सॉरी 216 नंबर जो है आपका गलत हो जाएगा पूछे पूछा रॉन्ग नंबर 216 नहीं है क्योंकि यहां पे आना चाहिए 210 दस तो 216 नंबर आपका गलत है ठीक बी वाला विकल्प जो है आपका गलत हो जाएगा बी वाला विकल्प आपका वहां पर गलत हो जाएगा क्लियर है बात समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन

वो छेनी जो होती है ना छेनी छेनी मूर्ति बनाती है और नडिल क्या करती है सिलाई करती है चलो भाई दिया गया है 128 में क्या होना चाहिए ठीक 28 बत्तीस दिया हुआ है तो 28 बत्तीस का संबंध अगर हम देखें तो सात गुड़े चार अट्ठाईस हो जाए और आठ गुड़े चार कर दे तो क्या हो जाए बत्तीस हो जाए ठीक भैया सात सौ कट्ठाइस आठ सौ बत्तीस तो लो लगातार नंबर से आपको करना था सात नवा तिरसठ उठा लो और आठ नवा बहत्तर कर लो सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो गया सात सौ कट्ठाइस आठ सौ बत्तीस सात नवा तिरसठ आठ नौ बहत्तर बिल्कुल सही जवाब अगला क्वेश्चन सॉरी सॉरी एक क्वेश्चन आपका चला गया पीछे नहीं नहीं आगे चले गया कौन सा वेन आर दिए गए वर्गो के समूह को सबसे अच्छा करता है स्टूडेंट प्लेयर ऑडियंस छात्र खिलाड़ी और आपका दर्शक इनमें आपको बताना है कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंट करेगा ना तो छात्र खिलाड़ी और दर्शक सबसे बढ़िया यहाँ पे सी वाला है तीनों अलग अलग हो भी सकते नहीं हो सकते जैसे स्टूडेंट है स्टूडेंट student. स्टूडेंट्स जो है वो प्लेयर बन भी सकता है प्लेयर और ये ऑडियंस तीनों को आप अलग अलग कर सकते हैं स्टूडेंट प्लेयर और ऑडियंस ठीक है तीनों हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं. तो सही आंसर आपका सी वाला विकल्प यहां पे आ जाएगा कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों के समूह को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है टीचर सिंगर और मदर तो बढ़िया सर यहां पर भी आप दे सकते सी वाला क्योंकि टीचर मदर भी हो सकती है सिंगर भी हो सकती है नहीं भी हो सकती ओके सिंगर के साथ भी यही चल रहा है एंड टीचर सिंगर्स एंड मदर्स सी वाला विकल्प आपका करेक्ट है ठीक अगला क्वेश्चन यहाँ पे कोड दिया गया है टाइगर की कोडिंग करी गई है और हमको बताना है वाह भाई वाह कोड किया उल्टा बताना है तो बढ़िया है यहाँ पे आपको बोला है तो कूटबद्ध किया गया है उल्टा बताना यहाँ पे है ना तो देखो पहले कोडिंग कैसे करी गई टाइगर टी आई जी ई आर कोडिंग कुछ ऐसे है एस है फिर यू है एस टी यू ठीक है भैया एस टी यू फिर यहां पे एच है और फिर जे है एच आई जे देख रहे हैं आप एस टी यू एच आई जे ओके उसके बाद क्या है एफ है फिर एच यानी एफ जी एच फिर क्या है फिर यहां पे डी है और फिर एफ है डी एफ है फिर क्या है क्यू आर एस ये है आपकी कोडिंग देख रहे आप तो हमको यहां पर रिवर्स करना है यानी कि जो कोड दिया गया है हमें दिया है जी एन जी एन आई जी जी आई लिखा वो सॉरी 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 हमको लिखा है जी यार बहुत ऊपर लिख जाएगा तो नहीं मजा आएगा जी आई जी आई एन पी क्यू एस आर टी डी एफ बहुत दूर तक जाना पड़ रहा है यार जी आई एन जी आई एन पी क्यू एस आर टी डी एफ ठीक है ये आपका बनेगा तो इस तरीके से आप देखेंगे इसका जो सही जवाब बनना चाहिए जी एच आई जी अच्छा यानी एस शुरुआत होगी ठीक है उसके बाद एन ओ पी एन ओ पी क्यू आर एस क्यू आर एस इसका मतलब सब कैंसिल हो जाएगा क्यू आर एस आर एस टी आर एस टी बी वाला जो विकल्प है वो करेक्ट हो जाएगा आर एस टी डी ई एफ डी ई एफ इन द फॉलोइंग नंबर सेलेक्ट द ऑप्शन रिलेटेड टू थर्ड नंबर इन द सेम वे एट नंबर रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर का बहत्तर से क्या रिलेशन है वही छब्बीस का आपको बताना है ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आया है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ठीक है बारह का बहत्तर से क्या रिलेशन है ठीक बारह छंग बहत्तर कर लिया जाए और क्या चाहिए हमें लगता है hmm, बारह छंग बहत्तर छब्बीस का भी मल्टीप्लाई कर लो यार छब्बीस छक्का छब्बीस छत्तीस के पंद्रह एक सौ पंद्रह छप्पन आएगा छब्बीस छक्का डी आएगा आंसर उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित बॉडी विटामिन ठीक है भैया शरीर शरीर कोए लिए क्या चाहिए विटामिन चाहिए है ना तो फसल के लिए क्या चाहिए फसल के लिए चाहिए खाद फर्टिलाइजर चाहिए बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा फर्टिलाइजर चाहिए जिस प्रकार फूल गुलदस्ता संबंधित उसी प्रकार जानवर किससे संबंधित है ठीक है फूलों के बंच को गुलदस्ता बोलते हैं जानवर के समूह को क्या बोलते हैं झुंड बोलते हैं झुंड बोलते हैं जानवर के समूह को झुंड बोलते हैं निम्नलिखित चार शब्द जोड़ियों में से तीन एक निश्चित तरीके समान है और एक भिन्न इनमें से भिन्न शब्द जोड़िए स्पीकिंग साउटिंग मॉर्निंग नाइट टचिंग पुशिंग रिफ्यूज चिनाए कितना बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन देखो भैया स्पीकिंग का मतलब है बोलना साउटिंग मतलब चिल्लाना टचिंग मतलब प्यार से छूना पुशिंग मतलब धक्का देना रिफ्यूज इनकार करना डिनाई मॉर्निंग और नाइट ये अपोजिट है इन द फॉलोइंग नंबर सेलेक्ट द ऑप्शन रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे वेट द सेकेंड नंबर रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर ठीक है क्या रिलेशन इनके बीच में है आपको देखना है छियालीस बासठ और बैल सकहत्तर तो इसका मतलब है इसका मतलब है चार दो दो आठ अच्छा चार दो और दो चार दो छह दो आठ दो दस हो जाएगा उसको जोड़ लिया जाए तो फोर टू सेवन प्लस वन चार दो छ सात तेरह एक चौदह टू प्लस वन प्लस थ्री प्लस नाइन दो एक तीन 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 नौ पंद्रह हो जाएगा ठीक तो पंद्रह हो जा रहा है दो एक तीन तीन छह नौ पंद्रह हो जाएगा इसका मतलब हमें इससे दस चार चौदह बढ़ाना था दो तीन छह चार दस सोलह चार दो छः सात तेरह एक चौदह चार दो छः छः बारह दो चौदह अरे यार गलत जोड़ दिया चार दो छः 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 बारह दो चौदह वही तो लॉजिक गड़बड़ हो है तो मैं समझ नहीं पा रहा था चार दो छः छः बारह दो चौदह यानी पंद्रह इसका ही बनाना हमको तो पंद्रह पाँच दो सात सात चौदह दो सोलह दो तीन पाँच चार नौ छः पंद्रह बी वाला आंसर उठा लो बी उठा लो दो तीन चार छ दो तो तीन पाँच पाँच चार नौ नौ छः पंद्रह तो जो इसका है वही किससे है बी वाले से ठीक सेलेक्ट द सेट ऑफ द नंबर दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट चार तीन उन्नीस चार तीन उन्नीस क्या होगा चार का स्क्वायर कर दिया जाए सोलह तीन जोड़ दिया जाए उन्नीस ऐसा ही ढूंढ लो आठ का स्क्वायर चौसठ जोड़ने पर नहीं बनेगा का स्क्वायर, छत्तीस चार चालीस यही सही है छ का स्क्वायर छत्तीस प्लस चार क्या हो जाएगा चालीस तो क्लियर हुआ आपको आज का जबरदस्त यूपी कॉन्स्टेबल का 24 फोर का एस फिर हम लोग मिलेंगे अगली एस में तब तक के लिए थैंक यू